बीपी मंडल बिहार में हिंदू यादव समुदाय से थे। इनका जन्म एक धनी जमींदारों के परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। ये तत्कालीन मुरहो स्टेट के वंशज और भारतीय राजनेता थे जिन्होंने मंडल आयोग की अध्यक्षता की। बीपी मंडल एक धनी जमींदार रास बिहारी लाल मंडल के पुत्र थे। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार इनके पिता ने 1911 में दिल्ली दरबार में भारतीय स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। रास बिहारी लाल मंडल बाद में बिहार के प्रमुख राजनेताओं में से एक बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीलेंद्र और आप देख रहे हैं द डिटेक्टर शो। तो दोस्तों, आप जान ही चुके हैं कि आज हम ओबीसी के मसीहा बीपी मंडल जी की बात कर रहे हैं। कई सारे पदों पर आसीन रहे, तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी पेशकश, बीपी मंडल जी के जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने अनकहे किस्से एवं ओबीसी के बारे में, यानी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने क्या क्या किया, उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक भारतीय राजनेता थे जो भारतीय संसद के सदस्य, बिहार के मुख्यमंत्री एवं मंडल आयोग यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्माता व अध्यक्ष रहे। बता दें कि बिहार के सातवें मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने 1 फरवरी 1968 को शपथ ली थी, जो कि 30 दिनों बाद ही इन्हें अपना पद 2 मार्च 1968 को छोड़ना पड़ा। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे वो रहे सतीश प्रसाद सिंह, जो कि ओबीसी के पहले मुख्यमंत्री थे और वो मात्र 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और इनके बाद में जो मुख्यमंत्री बने वो थे भोला पासवान शास्त्री। अब आइए इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। बता दें कि बीपी मंडल जी का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था। वे जाने माने अधिवक्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रास बिहारी मंडल व श्रीमती स्वर्गीय सीतावती मंडल की 7वीं संतान थे। इनका बचपन बिहार राज्य के मधेपुरा के मुरहो गांव में बीता। ये एक जमींदार परिवार से नाता रखते थे। इन्होंने अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल से अपनी शिक्षा हासिल की। इसके बाद ये पटना चले गए और यहाँ के कॉलेज से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य किया और 1945 से 51 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी। इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। यहाँ से इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और बाद में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और जनता पार्टी में शामिल हो गए। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने बिहार की मधेपुरा से चुनाव लड़ा और ये इस सीट से 1967 से 1970 और 1977 से 1979 तक सांसद भी रहे थे। वर्ष 1968 में बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बने। 1 फरवरी 1968 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, किंतु 30 दिनों बाद ही इन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जनता पार्टी के शासनकाल में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इसे भारत के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के विषय में रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस कमीशन का गठन साल 1978 में किया गया था और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में तैयार की थी। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं मंडल आयोग के बारे में। बता दें कि 1 जनवरी 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था।
आयोग को लोकप्रिय मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल ने दिसंबर 1980 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी की जनसंख्या, जिसमें हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों शामिल हैं, मंडल आयोग के अनुसार कुल आबादी का लगभग 52% है। 1979 से 80 में स्थापित मंडल आयोग की प्रारंभिक सूची में पिछड़ी जातियों और समुदायों की संख्या 3,743 थी, जो 2006 में बढ़कर 5,013 हो गई और आज इससे भी कहीं अधिक है। मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने के लिए 11 संकेतक या मानदंड का विकास किया, जिनमें से 4 आर्थिक थे। हालांकि इस खोज की आलोचना की गई थी फर्जी डेटा के आधार पर। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में यह आंकड़ा 32% है। भारत में ओबीसी की सही संख्या पर पर्याप्त बहस है, जिसमें जनगणना पक्षपातपूर्ण राजनीति द्वारा समझौता किया गया है। आमतौर पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मंडल आयोग या राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा उद्धृत आंकड़ों की तुलना में कम ही लगाया जा सकता है। इस कमीशन द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में कई सारी सिफारिशें की गई थीं, जिसमें से नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। वर्ष 1990 में तत्कालीन बीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अधिसूचना जारी की, जिसको लेकर देश के कई सारे हिस्सों में विरोध भी हुआ था, जो कि जनरल कैटेगरी के छात्रों द्वारा किया गया था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अपने जीवन की आखिरी सांस 13 अप्रैल 1982 में ली। इनकी पत्नी का नाम सीता मंडल था और इनके कुल 7 बच्चे थे, जिसमें से 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनके परिवार के लोग आज भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने साल 2001 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी की थी। इनके सम्मान में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी 2007 में की गई थी। दोस्तों, तो ये थी बीपी मंडल के जीवन से जुड़ी कुछ संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।